एक व्हाट्सएप ग्रुप पर छिड़ी बहस के बाद रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के कुछ लोग खेमान स्थित कालानी महल में घुसे और कमलेश निकम तथा अन्य के साथ मारपीट की। वहां मौजूद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आए हुए आरपीआई के पार्टी कार्यकर्ताओं की पिटाई कर दी। मामला उल्लासनगर पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत दर्ज की। पुलिस ने कमलेश निकम की शिकायत पर आकाश सोनव ने योगेश पवार और अन्य चार पांच के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। वहीं आरपीआई कार्यकर्ता आकाश दिलीप सोनवने की शिकायत पर कमलेश मधुकर निकम, विशाल रवि हजारे, संकेत मोरे, मंटू उर्फ विजय यादव, क्षितिज गायकवाड़ और अन्य तीन चार लोग के खिलाफ विभिन्न धाराओं पर अपराध दर्ज किया है और इसी शिकायत के आधार पर आज कमलेश निकम को गिरफ्तार किया गया। उसे न्यायालय में पेश किया गया जहाँ न्यायालय ने उसे जेल कस्टडी में भेजे जाने के आदेश दिए हैं। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।